प्रेस्टीज रेडियो। तो आप सुन रहे हैं प्रेस्टीज रेडियो, मैं हूँ शीन और शो चल रहा है सफरनामा। और आज यार जिस बारे में हम बात करेंगे उससे जुड़ना तो बहुत मुश्किल है पर उससे निकलना उतना ही आसान, जो आजकल बहुत पॉपुलर है और लोग बहुत कूल समझते हैं अपने आप को जब वो उससे जुड़ते हैं। तो जी हम बात करेंगे ड्रग्स के बारे में, और उसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर निखिल ओझा जो कि है फ्रॉम नवचेतना डी एडिक्शन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर। सर वेलकम टू प्रेस्टीज रेडियो, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम फॉर अस, थैंक यू सो मच। सर टेल अस समथिंग अबाउट नवचेत। नवचेतना इज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ ऐसे कुछ लोग जो इंदौर के हैं और डिफरेंट एरियाज से आते हैं और कहीं ना कहीं उन लोगों के क्लोज वन वर अफेक्टेड या नशे में, ड्रग्स में और अल्कोहल में प्रॉब्लम्स में आए, और उन लोगों को प्रॉब्लम्स हुई डेफिनेटली एक सही सेंटर, हॉस्पिटल बोलें या रिहैबिलिटेशन सेंटर जहां पे वो लोग अपना ट्रीटमेंट करा सकें। एंड ये सब लोग अपना काफ़ी समय और काफ़ी भाग दौड़ करना पड़ती थी लोगों को इंदौर से बाहर सेंटर्स ढूंढने में, तो उन्हीं लोगों के द्वारा बनाई हुई एक सोसाइटी है नवचेतना निर्वाणा सोशल वेलफेयर सोसाइटी, और उसी के द्वारा ये डी एडिक्शन सेंटर रन करता है। हम लोग उसमें से मैं भी एक हूँ, और हम लोगों ने बहुत क्लोजली इस चीज़ को समझा है कि किस तरह से लोग इसमें उलझते हैं, और वो तो हैं ही, वो तो खुद परेशान होते ही हैं पर उनके परिवार और उनके रिलेटिव्स और उनके फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग जो उनसे रिश्ते में रहते हैं वो सब भी काफ़ी पेनफुल लाइफ देखते हैं और प्रॉब्लम्स को झेलते हैं। तो दैट वाज आवर यू नो बेसिकली दैट मोटिवेटेड अस टू क्रिएट और टू एस्टेब्लिश दिस सेंटर। ओके सर, सर हाउ पॉपुलर आर ड्रग्स इन यूथ? देखिए जहाँ तक बात करें अगर यंग यूथ एंड यंगर चिल्ड्रन, अगर मैं उनको एडोलेसेंट्स भी बोलूँ बिकॉज दैट इज़ द टाइम व्हेन यू नो यूजुअली पीपल वुड स्टार्ट यूजिंग और कुछ ना कुछ नशे की तरफ बढ़ते हैं, पॉपुलरिटी बहुत है पर अभी रीसेंट टाइम में कुछ ज़्यादा हुई है। उसका कारण यह है कि काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स हैं लोगों में कि कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि नॉर्मली टबैको या टबैको से रिलेटेड चीज़ों के साथ जुड़ी हुई है, और हम जिस तरह से तंबाकू को उपयोग करते हैं या सिगरेट पीते हैं तंबाकू खाते हैं उस तरह से हम उन ड्रग्स को भी कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ ये है कि विदेशों में बहुत सारी ड्रग्स, इसमें से कुछ जो ड्रग्स हैं सो कॉल्ड वो लीगल हैं, तो इसलिए हम लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि अगर वो लीगल हैं तो फिर वो प्रोहिबिटेड क्यों है, फिर हम क्यों ना उसको यूज़ करें, क्यों समाज उसको स्वीकार करता भी है और मना भी करता है। सो यू नो उसके दो तीन कारण होते हैं यूथ में पॉपुलैरिटी ऑफ ड्रग्स के। एक तो ये कि आप सब लोग पीयर प्रेशर के साथ जीते हैं, अगर एक ग्रुप में मैक्सिमम लोग या मेजॉरिटी ऑफ लोग कुछ कर रहे हैं एनीथिंग दैट नॉट कैन बी अ ड्रग, तो सभी लोग उस तरफ यू नो वो उस तरफ आकर्षित होते हैं कि हम क्यों नहीं कर सकते, एक चीज होती है। दूसरा ऐसा लगता है कि कई बार आप लोग लेफ्ट आउट हो बिकॉज मैक्सिमम पीपल आर यू नो हैविंग अल्कोहल और स्मोकिंग, सो पीपल थिंक दैट वाई आई कांट स्मोक, और वो पीयर प्रेशर में आप आकर्षित होते हैं। दूसरा इसी एज में सबसे बड़ी चीज होती है कि बच्चे या बड़े बच्चे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए तैयार होते हैं, एंड दैट इज़ देयर लर्निंग प्रोसेस। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज पीपल बिटवीन 15 टू 25 ईयर्स ऑफ एज दे आर लर्निंग हाउ टू लिव देयर लाइफ, सो दे वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट विद थिंग्स एंड दे वॉन्ट टू कन्फर्म बाय themselves विच इज़ गुड एंड विच इज़ नॉट गुड। सो इन दिस प्रोसेस कहीं ना कहीं हम लोग काफ़ी एक्साइटेड भी होते हैं कुछ नया करने के लिए, और पीयर प्रेशर यंग एज बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और उसको हम मीडिया पे भी देखते हैं, फिल्म्स में देखते हैं और गानों में आप देखिए 90% गानों में शराब या किसी न किसी ड्रग को यूज़ करना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बताया जाता है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को मोटिवेट भी करती हैं, हम लोगों को आकर्षित भी करती हैं और हम लोग उसमें इन्वॉल्व भी होते हैं। मोस्ट पॉपुलर ड्रग जो है अगर हम ट्रू सेंस में बोले तो टबैको इज़ ऑल्सो अ ड्रग बिकॉज इट कंटेन्स निकोटिन, और निकोटिन आपको कुछ समय के लिए हाई देता है, कुछ समय के लिए आपको उत्साहित करता है, और एट द टाइम्स व्हेन यू नीड वो आपको रिलीफ भी देता है, आपकी थकान दूर करता है। जैसे फॉर कॉफ़ी अगर हम बोलें तो वो भी एक तरह का ड्रग है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि एनी सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड विच इज़ टेकन, हम लोग कोई ऐसी केमिकल जो हम लेते हैं
खाने पीने या स्मोक करने में, और वो हमारे दिमाग पे असर करता है, जिसको हम बोलते हैं माइंड ऑल्टरिंग सब्सटेंस। तो ये सभी जो हैं वो आपको ड्रग जैसा इफेक्ट, जो एक कॉमनली नोन ड्रग, वो हम ड्रग वर्ड को हम यूज करते हैं नशे की वस्तु, तो उसके पे इफेक्ट करता है। और ये सभी चीजें हैव अ वेरी हाई पोटेंशियल ऑफ मेकिंग यू एडिक्टेड टू दैट। जैसे कुछ लोग कॉफी पीने में 5-6 मग्गे या दिन में 10-12 बार भी कॉफी पीते हैं, और कुछ लोग एक बार भी पीते हैं। इसी तरह से स्मोकिंग एंड टबैको च्यूइंग इज आल्सो बिकमिंग, यू नो, समटाइम्स इट मे बिकम अ प्रॉब्लम, समटाइम्स इट मे नॉट। और उसके बाद जो मोस्ट पॉपुलर एज ग्रुप इस एज ग्रुप में है वो वीड है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बच्चों की या एडल्ट्स के लैंग्वेज में वीड बोलते हैं, पर जिसको हम हिंदी में गांजा बोलते हैं, और जो कि कैनाबिस इंडिका एक प्लांट होता है, उसके फूल से बनता है और उसकी पत्तियों से बनती है भांग। गांजा वीड बहुत पॉपुलर है इस एज ग्रुप में। तो सर, वीड या किसी भी ड्रग का ह्यूमन बॉडी और माइंड पे क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू टेल यू दैट, यू नो, मैंने अभी आपको बताया कि 15 साल से 25 साल के बीच में ज़्यादा बच्चे, यू नो, एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं। व्हाई? बिकॉज दिस इज द टाइम देयर ब्रेन इज मैच्योरिटी, और वो गलतियों को करके सीखती है या नए एक्सपेरिमेंट्स करके अपने आप को डायरेक्ट करती है। नो, समटाइम्स आपको कोई चीज अच्छी लगती है, इट मे बी स्पोर्ट, आप पढ़ाई करने जाते हैं पर आप कॉलेज में आके क्रिकेट खेलने लगते हैं, और सडनली आपको लगता है कि क्रिकेट में ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को, तो आप अपना करियर स्पोर्ट्स में चुन सकते हैं। सो दिस इज द वे आप किसी चीज से अट्रैक्ट होते हैं और वो आपका करियर बिल्डिंग काम आता है। तो जब ये मैच्योरेटिंग ब्रेन ड्रग्स यूज करने लगता है, तो उसके जो मोटिवेशंस होते हैं, हम लोगों को मोटिवेशन क्या होता है, पढ़ाई अच्छी लगी, आई वुड लाइक टू डू इट, आई वॉन्ट टू प्ले समथिंग बिकॉज आई लाइक इट, सो आई विल रिपीट इट। सो मेरे मोटिवेशंस मुझको कोई चीज करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और मैं उसको रिपीटेडली करता हूँ, दिस इज द टाइम। और हम उसमें ये समझने लगते हैं कि मेरे लिए क्या चीज अच्छी और क्या अच्छी नहीं, पर वो समझ हमको 25 साल बाद में आती। इस कारण से अगर हम 15 से 25 साल के बीच में कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो वो हमारा करियर भी बना सकती है, आई कैन बिकम सचिन तेंदुलकर, बट इट मे डिस्ट्रॉय माई सेल्फ बिकॉज आई मे बी अट्रैक्टेड टू समथिंग विच इज वेरी हार्मफुल टू मी, to my mind or to my career or to my social relationships. So this is the way हम problem में आ सकते हैं। अब मैं बात करूँ गांजे की। गांजा आपके brain maturation और decision making को खराब करता है। Okay. So you are not able to understand कि आप क्या गलत कर रहे हो और क्या सही कर रहे हो। और दूसरी चीज के मैं अगर गलत कर रहा हूँ तो मुझे रुकना है। ये एक छोटा सा एग्जांपल जैसा हूँ, जैसे कि आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और आप नीचे देखते हैं कि आप काफी ऊपर आ गए हो, तो ये फीलिंग आपको बताती है कि मैं सीढ़ी से थोड़ा दूर रहूं क्योंकि मैं गिर सकता हूं। ये कंसेप्ट, मैं गिर सकता हूं, आपका ब्रेन, जिस पार्ट ऑफ द ब्रेन आपको ये देता है सिग्नल, वो सिग्नल या वो पार्ट ऑफ ब्रेन गांजा यूज करने से खराब हो जाता है। सो योर डिसीजन मेकिंग, ये आपको हार्मफुल हो सकता है, आपके लिए लॉन्ग टाइम में प्रॉब्लम हो सकता है, वो आप नहीं कर पाते। यू आर मोर इंटरेस्टेड इन शॉर्ट टाइम बेनिफिट्स, मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे को मजा आ रहा है, एंजॉइंग माई लाइफ, बट अल्टीमेटली मेरे को कहाँ जाएगा, क्या ले जाएगा, वो थॉट प्रोसेस आपका खराब हो जाता है। दैट्स वाई इट इज मोस्ट हार्मफुल, एंड That is why ये शायद आप लोगों के माध्यम से मैं तक मैसेज देना चाहूँगा। और इसमें एक कन्फ्यूजन जो मैंने पहले बोला था कि काफ़ी सारी वेस्टर्न कंट्रीज में गांजा लीगल है, वीड इज लीगल, सो पीपल आर कन्फ्यूज कि इफ इट इज लीगल देन वाई वी आर टोल्ड टू स्टॉप, बट इट इज लीगल ओनली अबाउट 26 ईयर्स ऑफ एज। वहाँ पे भी उन्होंने 26 साल के ऊपर हाँ करा है, जैसे कि हम लोग यहाँ देखते हैं ना, एडल्ट को इलेक्शन में 21 के बाद ही आप इलेक्शन दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं, तो उसी तरह से वहाँ पे वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर लीगल है तो वो लीगल 26 साल के ऊपर है, नीचे नहीं है। तो हम वहाँ कंफ्यूज होते हैं और हम उसको यूज करते हैं और हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम। सर, सब्सटेंस अब्यूज क्या होता है? सब्सटेंस अब्यूज ये होता है, कॉमनली हम उसको समझ सकते हैं, जो हमारे लिए कॉमनली अवेलेबल मेडिकेशंस है, अगर मैं उनको मिसयूज करता हूँ,
ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, फॉर एग्जांपल पेन किलर्स, दर्द निवारण दवाइयाँ, खांसी के सिरप्स, एंटी एलर्जिक दवाई, ये सब दवाइयाँ आपको कुछ समय के लिए नशा दे सकती हैं और कुछ समय के लिए आपको उत्साहित कर सकती हैं। तो ये दवाइयाँ अगर आप यूज करना चालू करते हो और आप इनका ये जो मजा है, या कई बार ये आपको आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को ठीक हो रही है ऐसा महसूस करा सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं दाढ़ निकलवाने जाता हूँ और दाढ़ के दर्द की दवाई मुझे दी गई है, और उसी समय आप लोग यू आर ऑल वेल एक्वेंटेड, मेरा रिलेशनशिप खराब हुआ है, आई वाज हैविंग अ गुड रिलेशनशिप विद समवन एंड इट हैज बीन ब्रोकन, नाउ आई वाज पुट ऑन painkiller for that my tooth extraction, तो मैं जब वो दवाई खाता हूँ तो मुझे मेरे relationship का जो loss हुआ है उसको deal करना मैं ठीक लगता है, I am able to take that pain of a broken relationship, but I don't know how it is happening because मैंने तो दर्द की दवाई, तो over a period of time वो relationship किससे related, जब जब मेरे को दर्द होगा तो मैं उस दवाई को खाने लगूँ, not for my pain but for that relationship breaking, because all those medications which are painkillers ye anesthetic hote hain, dard kam karte hain, to dard physical nahi even psychological dard kam karte hain, to over a period of time main isko khane lag jaunga aur main dheere dheere mere ko malum hi nahi padega aur main iske addiction mein aa jaunga, to is tarah ki jab hum dawaiyan jaise for example same cheez mere ko khansi ke samay hui, मैंने खांसी की दवाई ली और चेंजिंग सीजन है, मैंने बहुत लंबे समय तक खांसी की दवाई, और उसी दौरान मैं कहीं ट्रॉमा में निकला तो मैं वो खांसी की दवाई मेरे को एडिक्शन में ले जा सकती है। तो ओवर द काउंटर अवेलेबल ड्रग या मेडिकेशंस को जब हम यूज करने लगते हैं तो वो अब्यूज, उसको हम बोलते हैं सब्सटेंस अब्यूज और ड्रग अब्यूज। सर कैसे पता चलता है कि कोई ड्रग्स ले रहा है या सब्सटेंस अब्यूज कर रहा है, क्या उसकी बॉडी कोई ऐसे सिग्नल्स देती है जो हम देख सकते हैं और बता सकते हैं कि ये ड्रग्स यूज कर रहा है? डेफिनेटली देखिए, उसके हमको कुछ जो मेजर लक्षण है वो है, सबसे पहला है कि चेंज इन डेली रूटीन, अगर आपका स्ट्रक्चर्ड लाइफ है, जरूरी नहीं है स्ट्रक्चर्ड लाइफ सुबह 5 बजे उठने का होता है, अगर आप 8 बजे भी उठते हो, बहुत सारे बच्चे कंफर्टेबली 8 बजे उठते हैं पर और रात में 11-12 बजे सो रहे हैं, बट सडनली यू फील और यू सी समबडी हु इज वेरी लेट टू स्लीप एंड वेरी लेट टू गेट अप, दैट इज द फर्स्ट साइन। सेकेंड साइन विच इज इन द स्टडिंग चिल्ड्रन इज कि एक बच्चा अपने बहुत अच्छे ग्रेड्स ला रहा था, ये एवरेज ग्रेड्स ला रहा था, सडनली उसके ग्रेड्स नीचे होने लगते हैं, दैट इज सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट साइन। थर्ड साइन इज रिलेशनशिप ब्रेकिंग, उसके जो दोस्त नॉन यूजिंग हैं उनसे वो दूर होने लगता है, एंड ही स्टार्ट्स प्रेफरिंग द यूजिंग फ्रेंड्स, जो लोग शराब पीते हैं वो उनके साथ ज़्यादा जाएगा, जो नॉन शराब पीने वाले हैं वो, बट स्पेसिफिकली विद द ड्रग्स विच वी वर जस्ट टॉकिंग, गांजा या इस तरह की चीज़ें जब यूज़ करता है। और फोर्थ चीज़ है कि हम उनको देख सकते हैं कि उनका बिहेवियर थोड़ा एबनॉर्मल हो सकता है, बहुत जल्दी गुस्सा होना, बहुत जल्दी इरिटेट होना और बहुत जल्दी बैड वर्ड्स यूज करना, अनकंट्रोल्ड बिहेवियर मींस इवन योर सोशल टॉक लैंग्वेज वुड चेंज। हम लोग नॉर्मली जैसे फॉर एग्जांपल हमारे रिस्पेक्टेबल लोग हैं, फीमेल्स हैं, उनके सामने हम गाली नहीं बकते और नॉट यूज बैड वर्ड्स, बट those people who are under influence of alcohol or drugs, they will start using abusive language, they will not think who they are talking to. And sixth most important thing is unki eyes jo rehti hai wo red aur shorty ya unke jo pupils hai wo chote hote hain, usse bachne ke liye kafi sare log dawai dalte hain jisse hum logon ko malum na pade ki hum drugs le rahe hain, but uska ulta effect hota hai, wo aankhon mein lalpan bahut kam der ke liye dur hota hai, तो आप इससे पहचान सकते हो कि वो ड्रग्स ले रहे हैं। एंड लास्ट इज दे विल हैव स्लीप प्रॉब्लम्स, दे विल हैव कॉमन कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, डिफिकल्टी इन टॉकिंग टू पीपल एंड एक्सप्रेसिव देयर इमोशंस आल्सो, वो आपको क्या बोलना चाहते हैं और वो क्या बोल जाते हैं,
तो ये मेजॉरिटी में हम बहुत अच्छी तरह पिक कर सकते हैं, और डेफिनेटली आप लोग सब समझ सकते हैं इस सब चीज़ों से कि ये हमारे दिमाग पे तो काम कर ही रही है, पर लंबे समय तक जब हम लेते हैं तो हमारा सोच विचार, हमारा हार्ट रेट बढ़ता है जब भी हम एक्साइटमेंट वाली ड्रग्स लेते हैं जो हमको खुशी देती है, एक्साइटमेंट देती है, हमारा हार्ट रेट बढ़ता है, हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है, हमको दिल से रिलेटेड बीमारियाँ, फेफड़ों से रिलेटेड बीमारी, और अगर हम शराब ले रहे हैं तो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म कम होता है, हमको इन्फेक्शन जल्दी हो सकते हैं, दे हैव टूथ प्रॉब्लम्स, दे हैव उनको लगातार छींके आना, नाक बहते रहना, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ एंड टाइप ऑफ ड्रग विच दे हैव बीन टेकिंग, सो काफ़ी सारी जगह पे हमको प्रॉब्लम्स आती हैं, एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली दे हैव एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, दे हैव रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, दे हैव job related problems, their money management is problematic, they will start taking money from people all around them, they will spend more money on their drugs, less on their thing, उनका हाँ उनका dressing sense change हो जाता है, ये सब चीज़ें आपको pick कर सकते हैं, और ये सब चीज़ें long term में काफ़ी सारे problems create करती हैं। सर, इंडिया में ड्रग अवेयरनेस जितनी होनी चाहिए क्या उतनी है? क्या लोग उतना अवेयर है ड्रग्स के बारे में कि उन्हें नहीं लेना चाहिए? इट्स नॉट गुड फॉर देम। देखिए, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, आप लोगों के माध्यम से मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो लोग एक बार इस रास्ते पे चलने लगते हैं और इसमें उलझ जाते हैं, उलझना वर्ड सही है क्योंकि वो लोग बेबस हो जाते हैं, वो चाह के भी इससे बाहर नहीं आ पाते। मैं एक डॉक्टर हूं और अगर मेरे से कोई पूछे कि सबसे कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर बताएं, कोई ऐसी बीमारी जिसको समझना, जिसके कारणों को समझना और उनका इलाज करना बहुत डिफिकल्ट हो, तो आई वुड प्लेस ड्रग एडिक्शन और एडिक्शन ऑन नंबर वन सच प्रॉब्लम, बिकॉज इट हैज़ वेरी कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्वमेंट्स, इट अफेक्ट्स यू वेरी कॉम्प्लेक्सली और उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। इट्स अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव ब्रेन, बढ़ती हुई लंबे समय तक रहने वाली दिमाग की बीमारी है, जो अगर सही समय पे ठीक नहीं कर जाए तो अल्टीमेटली आपको बहुत सारे एरियाज ऑफ योर लाइफ में इफेक्शन होते हैं और आप अर्ली डेथ की तरफ बढ़ते हैं, आपको सोशल प्रॉब्लम्स में भी, लिविंग में भी, काफ़ी सारी चीज़ों में इफेक्शन होता है। इसलिए प्रिवेंशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट हियर, और हमको अवेयर करना बहुत ज़रूरी है लोगों को कि हम शुरू में तो इसको एंजॉय करते हैं बट उसके बाद हम इसमें से बाहर निकलने के लिए तड़फते रहते हैं और हम नहीं निकल सकते, तो इसलिए बेटर है कि हम लोगों को अवेयर करें, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग है कि इसका प्रिवेंशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर हम अवेयर करेंगे तो लोग समझेंगे कहाँ पर रोकना है, और प्रिवेंशन में भी जैसे ही किसी को समझ में है ना, पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड और आइडेंटिफाई दैट दे हैव अ प्रॉब्लम और समबडी वेरी क्लोज टू देम हैव अ प्रॉब्लम, देन वंस वी आइडेंटिफाई वी शुड गो फॉर अर्ली ट्रीटमेंट, बिकॉज हम जितना डिले करते हैं उतना अनट्रीटेबल हो जाता है, एंड यू विल सरप्राइज के एडिक्शन में जब लोग आ जाते हैं तो उनका ट्रीटमेंट वुड स्टार्ट फ्रॉम मिनिमम ऑफ फोर मंथ्स ऑफ ट्रीटमेंट टू टू इयर्स ऑफ डी एडिक्शन ट्रीटमेंट वेयर दे आर टेकन आउट ऑफ द सोसाइटी एंड दे लिव इनटू अ रिहैबिलिटेशन सेंटर। सो इसलिए अवेयर करना और जल्दी आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिवेंशन, एजुकेशन एंड प्रिवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि इसके बैड इफेक्ट्स क्या होते हैं। थैंक यू सो मच सर, एंड आई होप के इंटरव्यू काफ़ी लोगों को हेल्प करेगा, एंड वी आर लकी टू हैव यू एज आर पार्टनर फॉर आर थर्ड प्रेस्टीज सिनेविजन फिल्म फेस्टिवल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू प्रेस्टीज। थैंक यू सो मच। स्टीज रेडियो, सुनो सबकी, करो दिल की।